नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आपको बता दें, एक ज्वेलरी शॉप में मास्कधारी लुटेरों ने हाथों को सैनिटाइज करके लूटना शुरू किया, जिसके बाद वे 40 लाख के गहने लूट कर ले गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आज लुटेरों ने एक ज्वेलरी स्टोर में बेहद हैरतअंगेज तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसका वीडियो सामने आया है। कोरोना महामारी के बीच हुई ये लूट की वारदात महज कुछ ही पलों में की गई। वीडियो में दिख रहा है कि तीन युवक मास्क पहनकर बिल्कुल आराम से ज्वेलरी स्टोर शॉप में घुसे। जाते ही शॉप में रखे सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज किया, कुछ ही सेकंड में हथियार निकाले और ज्वेलरी को लूटना शुरू किया। एक लुटेरा पहले से ही शॉप में मौजूद था। लुटेरों ने अपने पिट्ठू बैग में करीब 700 ग्राम सोने की लगभग 40 लाख रुपए की ज्वेलरी और कुछ नकदी लूट ली। अलीगढ़ के SSP ने कहा, आज दोपहर लगभग 1:15 पर तीन लड़के बाइक पर आए और ज्वेलरी स्टोर को लूट लिया। मालिक के अनुसार लॉकर से 30,000 से 40,000 रुपए और सोने का दूसरा सामान लूटा गया है। हमने SP क्राइम और SPCT की टीम गठित की है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।